बाप रे, धोख लग गया था मेरे को अभी चाय तो। ऑर्डर किए भाई, दो थाली वीडियो बनाने के लिए, वो भी दो चाय। इंस्टाग्राम यो खाए यो यो नो। और आते के साथ हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन ऐसा है कि हमें निकलना है भीमताल के लिए। तो अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5:30, क्योंकि मनोजदा और नीता दी और सूरज की फ़्लाइट है पंतनगर से पुणे के लिए। तो सोचा हम भी इन्हीं के साथ निकल जाए, तो ये हमें भीमताल ड्रॉप कर देंगे। तो अभी तो सपना का ये फ्रेश होने, तो इसके बाद मैं जाऊँगा, मनोज भाई वहाँ ऊपर, नीता दी उठ चुके हैं, सूरज को कसार से पिक करेंगे, फिर देन वहाँ से निकल जाएंगे हम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा होते हुए फिर सीधा हल्द्वानी, हल्द्वानी नहीं सॉरी, मैं हम दोनों तो भीमताल उतर जाएंगे, मैं और सपना, और वो लोग वहाँ से सीधा पंतनगर जहाँ पे उनकी फ़्लाइट है तो वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा है, फिर मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि तो भीमताल पहुँच रहे हैं फिर हम, तो चलो वो आते तो देखते हैं। और 5 बजे का जो खतरनाक इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ये देखिए कोहरा ही कोहरा हो रखा है, ऊपर बादल नीचे आ रखे हैं और ये हो रखा है। तो चलो फिर मैं भी जाता हूँ फ्रेश होने, फिर आपको मिलवाता हूँ मनोजदा नीता दी से, फिर निकल जाते हैं। नीता दी नीचे आ गई है क्योंकि कल उनका शैम्पू लिया था, तो शैम्पू कह रहे नीचे आते कह रही है शैम्पू शैम्पू, तो उनको शैम्पू देना है। ये नीता दी का शैम्पू है, वो मांग रही है तब से शैम्पू दे शैम्पू करके। और ये आ गया हमारे पास सभी सभी भाग गया। दिखा क्यों नहीं दिखाना, खाली नहीं दिखाना, मैं तेरे उसमें कमेंट्स कर दूंगी ऐसे कर देना कि ये मेरी प्राइवेसी भंग कर रहा है ये। और ये हमारे मनोज दा को देखो, ये मनोज दा उठ गए देखो, ये एक ही ब्रश से कर दो क्या यार, रहने दो यार। कल से ऐसे घूम रहे हो एक लोअर में, ये तो यहाँ पे ये आ गई है हमारा गढ़ाओ, हमारी गढ़वाली वाइफ आ गई है सपना, शहाय शहाय शहाय। ओ बाप रे, धोख लग गया था मेरे को अभी, मैं तुमको बिना उसके नहीं देखा ना क्रीम प्रीम के। मैं लगाती भी नहीं, बकवास मत करो। ये बिंदी लगा के तो तुम मतलब तो चलो फिर मैं आप जाता हूँ फ्रेश फ्रेश होने, फिर आपको मिलवाते हैं दोबारा से, सूरज से मिलवाएंगे जब कसार को दिख लेंगे। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स आ रखे, हो क्या बोल रही है पकड़ना। तो ये मंगा रखा हमने आधा किलो घी और आधा किलो नमक, और आधा किलो नमक सुनना होगा वो। नमक तोड़ना क्या है, नमक का पैसा सुनना होता है। चले जाते हरी हर कमल प्रकाश तत्व ज्ञान विकास विद्या निर्मल आसुर भाव विनाशनी नाशनी हा बेटा बीनामा जा रही है, मैं जा रहा हूँ बीनामा के साथ। तो उसने कुंडा लगा दिया कि ये ना जाए। बीना माँ कहाँ गई, बीना माँ तो चली गई, चली गई गाड़ी में, चली गई, गुस्सा आ रहा है उनको, आ गई वो, आ गई देखो सामने, अरे नहीं गई थी मैं, मैंने थोड़ा काम है चली गई करके। जाई दिए ब्रो, अब क्या होगा तेरा, कहीं नहीं जा रही है, अभी आ रही हो मंदिर जा रही, अभी आ रही है, टाटा कर दो, टाटा कर दे वो। ये गुस्सा नहीं जा रहा बेटा, अभी आ जाऊंगी। हाँ पकड़ भागो, अभी तो देखते आ जाऊंगी। आ रही बेटा, निकल चुके हैं और
अभी हम मिलेंगे सूरज से, सूरज को पिक करना है वहाँ से, फिर देन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से सीधा मैं तो भीमताल, फिर भीमताल से ये लोग सीधा पंतनगर। देखिए सूरज का आ गया, पहचान लिया इसने। जेरी अभी नीता जी को पहचान जाएगा। काफ़ी टाइम लगा के मनोज भाई यहाँ आ गए हैं। टाइम तो मनोज भाई ने लगाया, खैर ये आ रहे हैं मेन, जो मेन बंदे हैं ना टाइम लगाने वाले, ये आ रहे हैं। देखो फुल बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के फुल। तो ये हो गया हमारी पैकिंग और हम बिपसू के वहाँ भीमताल जाएंगे। चाय पिलाएगा तो ठीक है, नहीं पिलाएगा चलो। हाँ चलो चलो भीमताल चलो, पिलाएगा तो हम इसको पिला देंगे। भीमताल तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें, चाय थोड़ी बहुत खाना खाएंगे, डांट छोड़ेंगे भाई डांट नहीं भाई। ये अच्छा, ये सॉरी, ये अल्मोड़ा से नीचे आते हुए लगा है तो 100 रुपये का लगा है। तो इसमें जो है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट करके कुछ स्टिकर लगा हुआ है पीछे ड्राइवर के साथ। हाँ, और लिखा है यातायात के नियमों का पालन करें, नियम 104 के तहत रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स रिफ्लेक्टर्स स्टिकर लगे हुए जो रिफ्लेक्ट करते ना, आगे से कोई लाइट आएगी तो तब जाके। हाँ, मंदिर आ गया हनुमानगढ़ी। तो ये चीज़ है, ये ऑल इंडिया वैलिड फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए है और ये 100 रुपये का है। इसको संभाल के रखना, लो देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो इसको। ओम कामनाय विजय नमः, ओम कामनाय विजय नमः। ओह हो, मेरे रस के कमर ने तेरी तो मनोजदा लेने गए हैं पेड़े, कैची धाम का प्रसाद लेने गए हैं। तो उसके बाद हम निकलते हैं कहीं कुछ खाते वाते, मेरे को तो नींद आ गई थी। तुम ये क्या माया क्या माई क्या बनने के तुम, ये बाल उड़े थे यार, बाल उड़े थे तुम्हारे। कैची धाम पे बैठे हुए हैं और इनको खाने पकौड़ा रायत खड़े झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। चाय ऑर्डर किए भाई 2 थाली, वीडियो बनाने के लिए वो भी 2 चाय 2 चाय पीने वाले में भी 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। और दुकान वाले भैया भी कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं रुकते हैं ये खाते हैं बस। अभी हम निकल लेंगे यहाँ से। अभी हमने आलू प्याज पराठा ऑर्डर किया है 4। क्या पराठा खाएगा? हेलो, ये हमारे सामने आ गए, ये लो यार तुम्हारे मानस से हम ले आए भाई। देखो मियाँ बीबी लग गए पहले ही, हम शुरू करते हैं आपके आने के लिए इंतजार है। नीता नीता दीन तो बात भी नहीं कर रही है। लो यार लो बिशु, तुम भी खाओ भांग की चटनी के साथ। वाह चलो खाते हैं हम भी फिर, वही वाली तो नहीं है जो नल के बैर की थी। तो यहाँ बढ़िया तरीके से पकोड़े खा लिए गए हैं और 4 पराठे बेल दिए गए हैं। अब पेट जो हमारा है ठसा ठस भरी गया है और अब कैची धाम से निकलते हुए भवाली, भवाली में कुछ हम सब्जियाँ खरीद लेंगे, सब्जियाँ खरीदने के बाद फिर हम भीमताल जो आ गए तो आ गए, शिमला मिर्च लिया एक किलो प्याज, मुझे क्या पता अभी कुछ है नहीं, इतना टेंशन। तुम प्याज की चटनी खाओ, खुट्टा छो खुट्टा चार से बोलो मान के रह लूंगा। अच्छा चलो ठीक है फिर दीदी, ये लो, चलो बाय ब्रो, चलो ये लो, मिलते दोबारा बाय सब, चलो बाय, खुश हो जाओ, जीते रहो, चलो शाम दा, लो बाय, नहीं नहीं तुम ही रखो, लो कान में खोल। कहाँ से बोलोगे? जी राजा यजमान भिंडरा शौज बुध जो तुम शौज त्राण गौ प्रधान बढ़ जा तुम हमें। चलो ठीक है भाई, कार उठा के ले जा रही है, ये देखो घिसाड़ के घिसड़ी घिसड़ी करके ये चलाया तो जान नहीं रहा इससे, ये चलो इनको हम पे जाए आगे तो खुद ही ले जा रहे हैं। अब मैंने आधा तो ऊपर पहुँचा ही दिया था तब पकड़ रहे हैं, और क्या देखो अब तो आ गया। हमें यहाँ पे पहुँचे हुए कम से कम 1 घंटा तो हो चुका है, ठीक है, और आते के साथ हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ठीक है। ऊपर टंकी से जो डायरेक्ट पानी आता है ना, मतलब ऊपर से नीचे का जो पानी आता है वो पाइप ही टूट चुका है, टूटी होगी किसी से गलती से टूट गया होगा खैर। तो अब वेट करना पड़ेगा कि कब प्लम्बर के पास टाइम हो गए, कब वो आएंगे ना,
तो ये चीज़ है। तो अभी कोई भी सप्लाई मतलब जो डायरेक्ट आता है वो तो टंकी में जाएगा, पर वहाँ से नीचे को नहीं आ रहा, जितने भी टैप वगैरह लगा रखे ना उनमें पानी की सिमी नहीं आ रहा है, तो वो दिक्कत होगी क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी थी, झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था, तो ये प्रॉब्लम में तो हम फंस ही चुके हैं। खैर अभी तो पीने के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पुराना पानी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रही है भाई, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रही है। चलो तो अब साफ सफाई का काम शुरू हो गया है क्योंकि पीने वाला जो पानी है वो तो आ गया है, पर ये डायरेक्ट वैसे उसमें नलके में नहीं आ रहा, खाली हमने बाल्टी वगैरह दो तीन बाल्टी भरी हुई हुई है। चूल्हे की साफ सफाई की जा रही है और थोड़ा इधर का ये साफ किया है इन्होंने, ये धोया, पानी वानी भरा, जग में ही साफ किया, ये भरा, तो बस कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बहुत सीरियस होकर काम कर रहे हैं। 5 बज गए, 5 बज गए और अब हम तक भूख लगनी चाहिए और यख रीशु बनाना चाहिए मैगी और चाय। मैं बनाऊंगी मैगी और मैगी कलर देखो, मेरे मैगी कलर देखो देखो, ये भी मैं काट रही शिमला मिर्च, ठीक है, और टमाटर ले काट रही पे, टमाटर 120 पे हरी पर एक टमाटर नंद कैसे टमाटर में टमाटर मैं इमी काट रही और थोड़ी इमी अदरक ले डाल रहा और प्याज इतर भाग ढीन प्याज और चाहल मैल बने रहे यख खाई पसी रहे और पसबे और क्या कर दे तू क्या मूवी देख रही थी, मूवी देख रही थी इंस्टाग्राम, यो खाए यो यो नो बिग वॉश, बिग वॉश देख रही थी, बिग वॉश नहीं यार ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे लोग समझेंगे मैं तुम पे अत्याचार कर रही हूँ, तो ऐसे मुंह रख के क्या हो जाएगा, ऐसे मुंह ना तू ऐसे बोलो, उसकी मैं भी रख देता हूँ अत्याचार, तो मैं बोलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बोलो इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे थोड़े पेट में दर्द हो रहा था इस वजह से मैंने उन्हें बोला, इन्होंने भूख भी लग रही थी क्योंकि हम साफ सफाई में लगे हुए थे आने के बाद, तो अब थोड़ा मैगी बनाते फिर रात को खाएंगे अच्छे से दाल चावल। मैं कुछ यार भूल रहा हूँ यार, मैं कुछ कर रहा था, क्या कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, मुझे करना था कुछ, वो पॉट के उसमें पानी नहीं आ रहा, वो बार बार, चलो ठीक है फाइनली हमारा पाइप लग गया है, पानी का पानी आ गया है, पाइप लग गया, मैंने वो भी मैंने खुद से ठीक करा है, आप ही हाथों ठीक करो, मैं आप ही काम तो अच्छे करते हो, तो दगड़ियों घर में कपूर कर रहे हैं, बहुत टाइम से बंद था घर, वो भी मैंने ही बोला नहीं करने के लिए, वरना कहां लड़कों को इतना ध्यान रखना, हां मैंने आज तक नहीं किया वैसे तो, बोलने भी आगे सब करवा देती है, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा पा रहा, तो ऐसा है कि खाने समय हो गया है, खाना वाना खा लेते हैं, तुम भी खा लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या मतलब डिनर कर ही लो यार, है ना, क्योंकि ये तो 24 घंटे रील्स पे लगी हुई है, रील देखने पे, अभी रील इसने पोस्ट करी है, देख लेना आप इंस्टाग्राम पे ना, खुद ही ना फोन रखा है पबजी खेल खेल के, मैं दिख भी नहीं रही, ठीक है, ये आपको फुल कैसी पागल बना मैं, ठीक छ, और लोगों ने बोला है कि तुम गढ़वाली में बोला करो, और एक चीज पता क्या होता है, ये देखो इसकी कैपरी, ये जो कैपरी है ना ये सिल इसने खुद सी ली है, जैसे वो किचन में कपड़े नहीं होते चाव बोलते हैं जैसे, तो मतलब हमारे जैसे गांव में हमारे ना खरीक को कह रहे हो सॉरी, जो नीचे किचन होता है उसको हम गोट बोलते हैं, गोट और मल गोट किसी किसी के वहाँ उसको वो कहते हैं, जैसे जहाँ गाय भैंस का गोट होता है, पर हमारे वहाँ गोट गाय भैंस वाले को खरीक कहते हैं, है ना, तो अब जैसे गोट में जैसे किचन में ऐसे रखा होता है ना कपड़ा, तो उसकी इसने कैपरी सिलवा रखी है, ओके, तो अब हम खाना वाना रखते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाइए, क्या क्या बनाया है वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है, ताकि हम अपना थोड़ा मतलब बस खाली ऐसे खुश हो जाएं, क्योंकि हम कुछ लिमिटेड चीज़ ही खाते हैं यहाँ पे, ओ हो कहने से गिर के ओ इज्जा आजकल मुंह से निकल जाता है इसके, जैसे कुछ उजा उजा करके निकल जाता है, तो अच्छी बात है ये सब चीज़ धीरे धीरे सीख जाएगी, मैं भी इसे बोल रहा हूँ थोड़ी गढ़वाली सिखा दे, तो ये भी सिखा देगी मेरे को गढ़वाली, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और घंटी बटन दबा दिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।